अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज पहुंचे आप तक सबसे पहले। भाई सेवक यूनियन की मांगे सरकार द्वारा न माने जाने के रोष में आज फाजिल्का के समूह सफाई सेवकों ने चौक घंटा घर में पंजाब सरकार का मटका फोड़कर पुतला फूंक प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई सेवकों ने पंजाब सरकार के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाए। सरकार द्वारा पिछले समय से सफाई सेवकों की लंबित पड़ी मांगे ना माने जाने के रोष के चलते फाजिल्का सफाई सेवकों द्वारा जहां पिछले 5 दिनों से नगर कौंसिल में धरना लगाया हुआ है और इतने दिन धरना लगाने के बावजूद सुनवाई ना होने पर फाजिल्का के सभी सफाई सेवकों ने शहर के बाजारों में रोष मार्च करते हुए चौक घंटाघर में सरकार का मटका फोड़ पुतला जलाया और पंजाब सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे जल्द ही न मानी तो वह पूरे पंजाब में हड़ताल पर चले जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष तेज किया जाएगा। ये अज दी हड़ताल जिहड़ी चल रही है साढ़े पंजवें दिन च सीगी ते इस नूं मुख रखदे होए असीं संदेश देना चाहते हैं पंजाब सरकार नूं जिहड़ी कि अपने वादियां तो मुकर गई है। हुण जिन्ने वी उन्हें वादे किए सी मुलाजम पक्के करन दे उह उन्हां तों ही पिछे हट गई ते हुण साडा संघर्ष जिहड़ा है पूरा तेज चल रहा है। हर पास से हो, हर पक्ष तो हर महकमे तो हो रहा है। आंगनबाड़ी तो की पलेदाना तो की टीचर यूनियन तो की हर पास से साड़ा संघर्ष चल रहा है। तो संघर्ष की जिहड़ी रैली है 7 तरीक नू जलंधर विखे बहुत ही संघर्षपूर्णशील हो रही है। की कारण मनते जी क्यों ये संघर्ष हो रहे हैं? ये कारण है जी, एक तो सानू मतलब इन्होंने ना तो डीए की किस्त अनाउंस कर रहा है तो ना ही कोई मुलाजमान की भर्ती कर रहा है। तो एक पेंशन ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੀਵਰ ਵਾਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਝਾੜੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਸਿਆਪੇ ਦਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿਆਪਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਝਾੜੂ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ। ਸਾਥੀਓ, ठेकेदारी सिस्टम है जो सब बंद करा जाए और हमें इतने साल हो गए लगे हुए, हमें पक्का करा जाए। फाजिल्का से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ रंजीत सिंह की रिपोर्ट, एटीवी न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज पहुंचे आप तक सबसे पहले।